डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप चूंकि राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। मैंने जैसे जो बात शुरू में कही थी वो ये बात कि कांग्रेस को जितने वोट मिलेंगे, चाहे वो 5,000 हो, 50,000 हो, 20,000 हो, कांग्रेस के परंपरागत जो वोट होते हैं हर विधानसभा में हैं थोड़े बहुत, उसके ऊपर जो वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा या कोई और नारा, वो वोट किसके खाते में साहब माइनस होते हुए देखते हैं, सपा या भाजपा? शुक्रिया संजय जी, और बधाई आपको कि आप वो पत्रकार हैं जो ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ गठबंधन बन गया है और हिंदू धर्म के खिलाफ चुनाव हो रहा है, तो अच्छी बात है। और आप जिस तरह से लोगों को उलझाते हैं, अब जैसे मैं अभी देख रहा था, अजय जी इशारे में बोल रहे हैं, सीपी राय सर इशारे में बोल रहे हैं, आप बाकायदे नाम पूछवा ले रहे हैं, भाई किसकी बात आप कर रहे हैं। तो आप जैसी पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ कुछ उस ट्रैक पर उत्तर प्रदेश की राजनीति फिलहाल दिख रही है। बहुत अच्छे, कोशिश की जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फिर से हिंदू मुस्लिम की नफरत वाली राजनीति की जाए। और मैं बहुत मतलब मेरे लिए चिंता की बात है संजय जी, मुख्यमंत्री के ट्वीट अगर आप देखें तो उस ट्वीट की जो भाषा होती है, उस ट्वीट के जो विषय होते हैं, वो लगातार वहीं ले जाते हैं कि देखो हिंदुओं तुम्हारा धर्म खतरे में है। जबकि होना ये चाहिए था कि उनके पास एक मौका था, वो ये साबित करते कि देखो हमने राम मंदिर तो बनवाया ही, धर्म को बचाया ही, और ये देखो विकास के भी काम किए और उस काम पर वो चुनाव लड़ते। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, ये जो पतन है, ये जो अधोपतन है पूरी सियासत का है, ये नुकसानदायक है। अब आपके सवाल पर आता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसका वोट काटेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम बिल्कुल व्यवहारिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सैद्धांतिक भाषा में होता यह है कि किसी पार्टी को आप ये नहीं कहते कि वो वोट काटती, ये व्यवहारिक बातचीत में होता सही है। बात, जैसे अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ गोरखपुर से लड़ने गए हैं चंद्रशेखर आजाद, तो लगातार वो ये कहा जा रहा है कि वो वोट वोट काटे काटेंगे हैं। या उनकी पार्टी वोट काटेगी। मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हो पाता हूं, क्योंकि चुनावी राजनीति में कोई भी दल किसी का वोट काटने के लिए नहीं जाता, जबकि वह राजनीति में जब शब्द शामिल होता है तो वो अपना वोट पाने के लिए जाता है। और कम से कम सैद्धांतिक तौर पर तो राजनीति यहाँ खड़ी होती है कि आप अपना एक घोषणा पत्र लेकर जाते हैं, आप अपने वादे लेकर जाते हैं, आप हर तबके के भीतर एक भरोसा पैदा करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आप हमें वोट देते हैं तो हम ये काम करेंगे। इस राजनीति की बजाय अब सच बात यह है कि राजनीति इस मुकाम पर खड़ी है कि हम बेशक कहें कि हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां हर जाति कम से कम सजग है, तो आप भी देखते हैं, हर पार्टी देख रही है कि वहां कौन सा कैंडिडेट हो, किस जाति का हो। और इसमें कम से कम कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व तो एक जगह पर, तो मैं उसको तो बधाई दूंगा ही, और वो है महिलाओं का सवाल। उस महिलाओं के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने एक लीड ली है। महिलाओं के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम 40% टिकट देंगे। अच्छा ये होता कि उसमें वो ये भी जोड़ देती कि जिसमें वंचित शोषित जमात की महिलाएं हैं, हम उनको भी वरीयता देंगे, क्योंकि अमूमन महिलाओं के नाम पर हम जानते हैं कि कौन पीछे रह जाएगा। आखिरी बात ये है कि वोट काटने का क्या है, कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव मजबूती से लड़ती है तो मेरा भी आकलन यही है संजय जी कि वो भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक में सेंध लगाएगी, अगर उसी भाषा में कहें तो। क्योंकि कांग्रेस का अपना जो एक जमाने में जनाधार राय, सीपी राय साहब बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, कांग्रेस एक जमाने में सबका नेतृत्व करने का दावा करती थी, और धीरे धीरे हर तबके के लोग कांग्रेस से अलग होकर के अपने अपने मुद्दों पर, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा पर अपनी पार्टियां बनाते हैं, अपना राजनीति करते हैं। आज कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि उत्तर प्रदेश अगर हमारे हाथ में नहीं आता है तो 24 के लिए हमारे लिए मुश्किल है, केंद्र मुश्किल में है। इसलिए कांग्रेस इसलिए चुनाव लड़ रही है कि वो वापस अपना जनाधार पाए, वापस अपना कैडर मजबूत करे। सीटें कितनी जीतती हैं क्या नहीं जीतती हैं वो एक अलग चीज होती है, और दूसरी बात यह भी कोशिश होती है कि आप एक बड़ा नरेशन बनाने की कोशिश करते हैं जिसका फायदा आपको 22 में भी मिले और 24 में भी मिले। आप मुद्दों की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, आप नौजवानों की बात करते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन इन सब में अगर हम व्यवहारिक गणित पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा वह चुनाव फायदेमंद होगा, एकाध अपवाद को छोड़ दें, बंगाल जैसे अपवाद या दिल्ली जैसे अपवाद को, कि अगर वन टू वन लड़ाई होती है,
हमेशा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक तरफ हम रहे और एक तरफ एक कोई और रहे, वहां फायदे में भारतीय जनता पार्टी होती है। अगर मल्टीपल एंगल से लड़ाई होती है तो इसमें बीजेपी का नुकसान है, न तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है, न तो जातिगत ध्रुवीकरण इतना आसान होता है, और जो जिसे वो परंपरागत वोट मांगते हैं उसमें भी कटौती होती है, तो नुकसान तो ओवरऑल बीजेपी का है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि कांग्रेस और मजबूती से चुनाव लड़े। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, ये क्या वास्तव में सही बात है कि प्रियंका गांधी 2022 के बहाने 2024 की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश से? निश्चित रूप से ये बात बहुत सरल ढंग से समझी जा सकती है कि केवल प्रियंका गांधी नहीं, कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक नफरत या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति करती है उसके केंद्र में अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें भी 80 हैं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए भी चूंकि 403 विधानसभा सीटें हैं तो वहां से भी ज्यादा लोग जाते हैं, और अभी न चाहते हुए भी भारतीय राजनीति को एक खास किस्म की उत्तर भारतीयता के आरोपण का हम शिकार देखते हैं। बहुत कुछ तय होता है उत्तर भारत से, ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में कितने भी अच्छे काम कर ले जगनमोहन रेड्डी प्राथमिक शिक्षा के लिए, स्टालिन कितना भी अच्छा काम कर ले, बहुत बहस नहीं हो पाती और उसकी अलग अलग कुछ भी वजहें हो सकती हैं, उत्तर भारतीयता हावी है। इन सारी वजहों से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये है कि उत्तर प्रदेश पर अपनी सियासी पकड़ को मजबूत बनाया जाए, उसके लिए वो जो भी कोशिश कर सकते हैं। और यूं ही नहीं है कि प्रियंका गांधी को जब राजनीतिक गलियारों में उतारा गया तो उनको उत्तर प्रदेश की कमान दी गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं कांग्रेस पार्टी के सामने। मुझे कांग्रेस पार्टी की सबसे अच्छी चीज अगर कोई लगती है तो ये नारे और ये घोषणा पत्र। तो देखिए, सारे लोग जो बहुत कट्टर ढंग से सामने लड़ाई में नहीं होते हैं वो कोशिश करते हैं कि घोषणा पत्र बहुत मजबूत बने, कांग्रेस पार्टी वो कर रही है। उनके नारे बहुत अच्छे हैं, उनके वादे बहुत अच्छे हैं जिनको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन उसमें दूसरा एक पहलू, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो बड़े मजबूत और मेहनती व्यक्ति हैं। बिल्कुल अब यहीं से मैं एक बात और जोड़ता हूं। मुझे एक एक दिक्कत होती है संजय जी, अमूमन हम लोग जब बातें करते हैं ना तो हम बहुत आदर्शवादी ढंग से कुछ कुछ स्लिपिंग स्टेटमेंट देते हैं, मसलन हम जाति की राजनीति नहीं करते। मैं हाँ उत्तर प्रदेश की चार बड़ी राजनीतिक दलों का नाम गिनवा रहा हूं, एक तरफ से कांग्रेस पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पिछड़ी जाति से, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र देव सिंह पटेल पिछड़ी जाति से प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी नरेश उत्तम पटेल पिछड़ी जाति से, बहुजन समाज पार्टी भीम राजभर पिछड़ी जाति से। भाई ये क्या स्वाभाविक हो गया क्या? ये सवाल है मेरा। आप जितने टिकट बंटवारे करेंगे क्या आप नहीं देखते कि मुस्लिम वोटर किस जगह जाता है, देखो, कहाँ मुस्लिम दें, जहां जाट जाता है वहां जाट दें? इसे ये कोई बुरी चीज नहीं है। मैं तो हाँ चाहता हूं इस देश में हर जाति, हर पहचान और जहां जहां जिस पर दमन होता है, महिलाओं के सवाल पर क्यों सकारात्मक है संजय जी, हम जानते हैं कि हमारा समाज एक घोर सामंती और पितृसत्तात्मक समाज है, बिल्कुल हर तबके की महिलाओं के साथ शोषण व अन्याय होता है। लेकिन कौशल्या वसंत रई ने बड़ा अच्छा उपन्यास लिखा है जिसका नाम ही है दोहरा अभिशाप, एक दलित, एक आदिवासी या वंचित शोषित जमात की महिला दोगुना अभिशाप, दोहरा अभिशाप झेल रही होती है। तो जहां पहचान के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, वहां पहचान असर्ट करती है। जात के नाम पर उत्तर प्रदेश में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, डॉक्टर लोहिया से लेकर के डॉक्टर अंबेडकर या जो भी फिलोसफी है वो जात को असर्ट करती है। तो बुरा नहीं है, आप कहिए ना कि हाँ जो जातियां पिछड़ गई हैं उनको हम मुख्य भाई धारा साहब में ले आएंगे, हम महिलाएं बिल्कुल पिछड़ गई हैं महिलाओं को मुख्य धारा में ले आएंगे, तो ये बुरा नहीं है। इसको इसको ये नहीं कहना चाहिए कि हम मानवतावादी राजनीति कर रहे हैं, दरअसल बिल्कुल वो कोई बिल्कुल कुछ राजनीति होती नहीं है। ये नहीं। मेरी जी, ईशान जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं बस लक्ष्मण जी की एक बात पे कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मण जी ने पहले खुद ही कहा कि अजय लल्लू जी बहुत ही जुझारू प्रदेश अध्यक्ष है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी वैसी नहीं है कि जाति और धर्म के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पीछे के आप हमारे 10 अध्यक्ष उठा के देख लीजिए, चाहे इससे पहले हमारे राज बब्बर जी रहे हो, उससे पहले निर्मल खत्री जी थे, उससे पहले रीता बहुगुणा जोशी थी, सलमान खुर्शीद साहब थे, जगदम्बिका पाल साहब थे, आप उठा के देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है ये। हाँ, एक आपने जो अभी कहा तो मैंने भी वो लाइन देखी कि सारी पार्टियों के
वो चारों अध्यक्ष जो है पिछड़ी जातियों के, बट कांग्रेस पार्टी ने ये सोच के नहीं बनाया कि वो पिछड़ी जाति के। आपने खुद ही वो बात बोली कि बहुत ही जुझारू अध्यक्ष है, तो वो जुझारू है ये देख के प्रियंका गांधी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अच्छा बस एक लाइन की टिप्पणी संजय जी, एक लाइन की, जिशान जी ने बहुत ईमानदारी से एक बहुत अच्छी बात कह दी है, यही मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी गलती रही, जैसे भारत के कम्युनिस्टों की गलती रही कि वो क्लास स्ट्रगल को ही सब कुछ मानते रहे, कास्ट को के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते रहे। कांग्रेस पार्टी को एक लंबे वक्त तक राज करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने सारा नेतृत्व तो कुछ ही लोगों तक सीमित कर दिया, और उत्तर प्रदेश में बस राम नरेश यादव एक एक अपवाद है। अब कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझ में आ रही है, इसलिए राज्य से लेकर केंद्र तक वो अपने कोई भी कमेटी उसको इंक्लूसिव बना रही है, तो ये अच्छी बात है, हर हर दल को करना चाहिए, बस ये कहना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण जी।